श्रावण महीने में मेरे कॉम्प्लेक्स में मैं रुद्र पूजा ऑर्गेनाइज करती हूँ, और बाद में सारे लोग विद फैमिली अराउंड 70-80 लोग मेरे घर में खाना खाने के लिए, प्रसाद के लिए आते हैं। स्वामी जी भी, स्वामी जी, वेदा पंडित, सब लोग मेरे घर में आते हैं। तो मन में खाया, एक मेरा गुरु का और मेरा ये ऐसे कुछ दो तीन हमारे ना ऐसे हमेशा कॉन्टैक्ट बोलते कुछ तो है कि मन में आया गुरुदेव पूरे करते। तो मुझे लगा कि मुझे ना रुद्र पूजा के पहले घर को कलर करना है, तो मन में विचार आ गया। लेकिन 8 दिन रुद्र पूजा के लिए बाकी थे, तो 8 दिन में देखो 4 रूम को कलर करके फिर नॉर्मल करना मुश्किल ही था। लेकिन उस दिन क्या फॉलोअप था, एक मेरे पास हमारे डिवोटी थे, वो आ गए कि दीदी घर को कलर करना है। मैंने कहा एस्टिमेट क्या है बताओ मुझे जरा, तो बोल रहे थे गुरु दक्षिणा। मैंने बोला मैं गुरु दक्षिणा करके कलर का ये नहीं करूंगी। लेकिन और बाकी मैंने दूसरे दिन वो कलर वाला आ गया और मुझे बोला कलर सिलेक्ट करने कहा है। मैंने कलर सिलेक्ट किया, फिर उन्होंने कहा कि 2 दिन में कलर खत्म करना है, और दीदी को उनके घर में जो बाई रही थी किसी को तकलीफ नहीं होनी। एंड यू विल नॉट बिलीव, 1,000 से मेरे ख्याल 1,100-1,200 स्क्वायर फुट होगा मेरा घर, पूरा कलर 2 दिन में पूरा हुआ। मैंने कुछ भी किसी भी चीज को कोई बिलीव कर सकता है कि 2 दिन में कलर हो सकता है घर का, कुछ भी नहीं। और उसमें मेरा कोर्स भी चालू था, हैप्पीनेस कोर्स ना, एक रूम में जाके बैठी थी, 3-4 पार्टिसिपेंट थे, फिर दूसरे रूम जैसे वो कोर्स हो गया। बाद में मैंने उनको पूछा, तो मैंने ऑफकोर्स पैसे ट्रांसफर किया, लेकिन मन में विचार आवा और घर का कलर 2 दिन में हो गया। और जो पेंटर था वो भी अगले टाइम कोर्स करने के लिए आ गया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि कुछ तो चल रहा है। अच्छा, दीदी अगला कोर्स के लिए मैं आ जाऊंगी। फिर वो आ गया, अपने वाइफ को लेके आ गया, मेरी वाइफ को भी कोर्स करना है, ऐसे ये हो गया। उसके पहले की बात है कि मार्च महीने की बात है, मार्च नवरात्रि रहती है ना, तो मुझे ऐसा है मेरी ज्यादा बातें गुरुदेव से फोटो से ही होती है। तो गुरुदेव को ना कि गुरुदेव पुण्य आश्रम में ना चंडी हुमा है, गाड़ी भेजो ना। बस भूल गई, रात को 10 बजे फोन आता है कि दीदी हम नासिक में आए हैं। मैंने बोला 13-14 साल की हमारी पहचान थी, तो मैंने उनको कहा कि आप हाउ यू डेयर टू स्टे इन द होटल जब मैं यहाँ रहती हूँ। तो बोले दीदी हम थक गए, सुबह 7 बजे हम पहुंच जाते हैं। तो मैंने कहा कार लेके आई हूँ। हाँ, तो मैंने बोला गुरुदेव को कल मैंने कहा था, तो कार आ गई दरवाजे पे। तो उन्होंने उनको बोला जाते हैं क्या पुण्य आश्रम में, तो उनकी वाइफ बोली नहीं मेरी लड़की अकेली है। तो मैं लड़की को जानती थी, बोले वो अभी तो 20 साल की होगी वो अकेली रह सकती। बोले नहीं नहीं गुरुदेव ने हमें गाड़ी लेके भेजा है, हमें तो जाना ही है। तो कार आ गई, चले गए चंडी हुआ। उन्होंने कहा तो मैं मुंबई जाऊंगा, लेकिन मुझे, मैं बोला भाई ठीक है, ओला से कैसे भी मेरे के नासिक वापस आ जाऊंगी। उसमें से पुणे के मेरे एक साथी आ गए, श्री संस्कार गए। बोले दीदी मेरे घर जाना है। बोले मेरे पास कपड़े नहीं, मैं 1 दिन के आई हूँ, मैं ऐसे आज वापस। दीदी चुपचाप गाड़ी में बैठो और रास्ते में मॉल है, हम सब परचेस करेंगे। और उन्होंने बोला आज मेरे घर में आपको आराम करना है। उन्होंने मुझे एक रूम दिया, एक मैंने बोला मेरी 2-3 मीटिंग्स है कल, लैपटॉप हाँ दिया, एक रूम दिया, और बोला ये एसी है, आराम थोड़ा करना, मीटिंग कल अटेंड करना। छोटी सी बात मन से आ गई और हो जाती है, ऐसे ही मेरी गुरु स्टोरी रही।